हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया हर्बल टिप्स एंड ग्रूमिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ओके। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो साड़ी को किस तरह से टाइट फिटिंग करके पहन सकते हैं, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भी लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर। पेटीकोट को मैंने टाई कर लिया है, लेफ्ट साइड भी ट्राई कर सकते हैं और राइट साइड भी टाई कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से जो ये बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको हम टक कर लेंगे और अपनी जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप टक कर लीजिए ताकि आपके पैरों के पास जो फैब्रिक है वो फंसे नहीं। इसी तरह से पूरा एक राउंड आपको पहले टक कर लेना पड़ता है, चाहे जो भी आप साड़ी पहनते हैं, ये उसका बेसिक है, आपको इस तरह से पहले करना ही पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने पूरा टक कर लिया है। अब जो सारी फैब्रिक है उसको आपको अपने फ्रंट में पूरा इस तरह से रख लेना है। और चाहे तो आप पहले अपना पल्लू बना सकते हैं, तो पहले मैं पल्लू ही बना के आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से जो फर्स्ट प्लेट है हमारी वो थोड़ी सी बड़ी रखेंगे और बाकी जो है उससे थोड़ी सी छोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से फिर बाकी सारी जो हमने छोटी प्लेट्स बनाई है उसी के हिसाब से आपको सारी प्लेट देखिए, ये सारी प्लेट बन गई है। अब इनको आपको जो फ्रंट वाली प्लेट है उसके ही हिसाब से सारी प्लेट्स को आपको इस तरह से आप झटक देंगे तो जो प्लेट्स है वो आपको दिखाई देने लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा लें ताकि आपका जो प्लेट जो आपने बनाया है पल्लू का वो खराब ना हो। तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा करके आप इसको लगा लीजिए और उसके बाद हम इसको अपने पीछे से इस तरह से घुमाते हुए अपने फ्रंट में ले आएंगे और इसको अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पे हम रखेंगे। और जो प्लेट्स हैं हमारी वो थोड़ी थोड़ी हम बनाते हुए जाएंगे क्योंकि मैंने वो एक साथ अच्छी तरह से नहीं बनती है, तो इस तरह से झटकते हुए आपको देखते हुए जाना है और थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी प्लेट्स जो है आप बनाते जाइए और उसको हल्का सा इस तरह से अपने हाथों से दबाते हुए जा। इस तरह से जो आपकी एक एक प्लेट है उसको आप, क्योंकि ये कॉटन सिल्क जैसी है ये साड़ी, इसका जो फैब्रिक है, तो इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह बैठ जाएगी। देखिए, आपका एक एक प्लेट तक अच्छी तरह से क्लियर दिखेगा। इस तरह से सबको साथ में आपको ले लेना है, सबको साथ में लेने के बाद, और जो इसकी लेंथ है वो आपको आपके नी के बराबर रख लेनी है और उसके बाद अपने शोल्डर पे आपको इसको सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर देना है। अब जो ये वाली बॉर्डर आपको दिख रही है ये आपको यहाँ से ले जानी है, आपको अपने इसको बॉर्डर को ठीक करते हुए आपको अपने इसको फ्रंट में ले आना है इस बॉर्डर को। ये देखिए, इस साइड से आपको ये बॉर्डर अच्छी तरह से टाइट करते हुए, क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सब इस तरह से आपको अपने फ्रंट में लाने के बाद ये
ये वाला जो आपका बॉर्डर है इसको आपको अपने राइट साइड, आपको राइट साइड पे रख करके अच्छी तरह से इसको यहाँ पर आपको एक सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर करना है। अगर बहुत ज़्यादा पतली साड़ी है तो आप उसको अपने पेटीकोट में के साथ टक करें ताकि आपकी साड़ी जो है वो ख़राब ना हो। तो ये वाली भी जो साड़ी की फैब्रिक है, ये वाली और उसके साथ जो पेटीकोट आपने पहन रखा है उसमें भी हम सेफ्टी पिन को लगाएंगे। अब इस तरह से लगाने के बाद जो ये आपका है वो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और आपकी साड़ी जो है बहुत ही फिट दिखेगी। अब आपको क्या करना है, जो ये लूज फैब्रिक आपको दिख रहा है ये फैब्रिक आपको उठाना है। ये फैब्रिक उठाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है इस तरह से। इस तरह से ट्विस्ट करके आप अब जो ये फैब्रिक बची है इससे हम प्लेट बनाएंगे। इसको करने के बाद इस तरह से आपको झटक देना है ताकि जो अब ये जो फ्रंट वाला है इसका जो है वो प्लेट थोड़ा हमें बड़ा चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ है उसको हम साथ में ले करके एक जो है फ्रंट वाली जो है वो बड़ी प्लेट इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से बन गई है। अब इसको आपको टक कर लेना है। टक करने के बाद जो ये यहाँ वाला जो फैब्रिक है वो जो हमने यहाँ पे टक किया है इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे खींच करके इसको और टाइट कर देंगे। अगर प्लेट्स बनाने में जो थोड़ा बहुत लूज हुआ रहता है तो इसको खींच करके आप यहाँ से टाइट करके फिर से इसको आप टक कर देंगे तो वो आपका जो है अच्छी तरह से यहाँ पे आपको टाइट फिटिंग मिल जाएगी। अब जो आपकी फ्रंट प्लेट है वो आपको एक एक करके इस तरह से इसको इस तरह से करते हुए जाएंगे तो जो आपका प्लेट है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी प्लेट्स मैंने ली है और मैं इसको दूसरे हाथ से इस तरह से प्रेस करती जाऊंगी तो ये अपनी जगह पे देखिए ये देखिए फिक्स हो जाएगी। इसी जो सबसे नीचे की बची हुई है तो आप बिना किसी की हेल्प के भी आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से करते हुए जब आप आते हैं तो इस तरह से जो नीचे का लास्ट का आपका हिस्सा है उसको भी आप सबको एक साथ आप ऐसे ही रख करके
प्रेस कर देंगे। देखिए ये एकदम अच्छी तरह से बैठ गया है, आप कितना भी जो ये फैब्रिक है ये अच्छी तरह से बैठ जाता है, तो आप कितना भी मूवमेंट करेंगे तो जो आपकी प्लेट्स है वो ख़राब नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आपको आयरन प्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी प्लेट्स अच्छी तरह से ये देखिए अरेंज हो गई है। आप चाहे तो आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे लूज लग रहा है तो आप जो पीछे से फैब्रिक जहाँ से आपको लूज लग रहा है उसको आप अपने हाथों से इस तरह से खींच करके अपने बैक में जहाँ आपको लूज लग रहा है वहाँ पे आप उसको टक कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से एक जो इसकी ये देखिए और जो यहाँ वाला जो बॉर्डर है इसको भी आप अगर चाहे तो इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। जो ये वाला बॉर्डर है अगर आपको लूज नहीं पसंद है तो आप इसको यहाँ से इसको आप फिट करते हुए इस तरह से जो इसका फैब्रिक है बॉर्डर को सही करते हुए कि आपका बॉर्डर है जो वो प्रॉपर दिखे। ये देखिए इस तरह से फिक्स करते हुए इसको आप और भी नीचे कर सकते हैं, जो आपका ब्लाउज का लेबल है बटन का वहाँ से इस तरह से आप सीधे स्ट्रेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद आप जो फ्रंट वाली प्लेट है उसको छोड़ करके अपने ब्लाउज से और जो बाकी प्लेट्स है उसमें आप सेफ्टी पिन लगा देंगे तो आपकी यहाँ पे ब्लाउज के साथ आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी साड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये जो सेफ्टी पिन हमने लगाया था हम इसको खोल सकते हैं। ये देखिए आपकी एक एक प्लेट बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आप पहनेंगे तो एक एक प्लेट आपकी बहुत ही